ज्वालामुखी नगर परिषद चुनावों का घमासान परिणामों के साथ ही थम गया। ज्वालामुखी के 7 वार्डों में 21 प्रत्याशियों के भाग्य तय हुआ। कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी को मात्र एक ही सीट मिली। ज्वालामुखी वार्ड नंबर 1 अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित रहा। इस वार्ड में 3 महिला प्रत्याशी आमने सामने थी, जिसमें कांग्रेस समर्थक मीरा देवी ने बीजेपी समर्थक सुनीता देवी को 97 वोटों से हराया। मीरा देवी को 308, सुनीता को 211 व कंचन को 59 वोट पड़े और नोटा को 2 वोट पड़े। वहीं वार्ड नंबर 2 में 2 प्रत्याशी नितिन शर्मा व कांग्रेसी दिग्गज धर्मेंद्र शर्मा थे, जिसमें कांग्रेस के धर्मेंद्र शर्मा ने 21 वोटों से बाजी मारी। धर्मेंद्र शर्मा को 164 व नितिन को 143 और नोटा को 4 वोट थे। वार्ड नंबर 3 में मुकाबला 3 प्रत्याशियों विमल शर्मा, सुमेश चौधरी व विशाल राणा में था। इसमें से कांग्रेस समर्थक विमल शर्मा ने मात्र 4 वोटों से बीजेपी समर्थक सुमेश कुमार को हराया। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस समर्थक विमल शर्मा को 243, सुमेश कुमार 239, विशाल राणा 41 और नोटा को 6 वोट पड़े। वार्ड नंबर 4 में 4 प्रत्याशी मनु शर्मा, अनीश सूद, देशराज, सुखदेव शर्मा में मुकाबला रहा। इसमें नए चेहरे कांग्रेस समर्थक मनु शर्मा ने 68 वोटों से बाजी मारी। प्रत्याशी मनु शर्मा को 186, अनीश सूद को 118, सुखदेव को 96, देशराज को 21 वोट और नोटा को 3 वोट पड़े। वहीं वार्ड नंबर 5 में 3 पूर्व प्रधानों में त्रिकोणा मुकाबला रहा। इसमें 3 प्रत्याशी मनीषा शर्मा, पपली शर्मा व अनिल प्रभा आमने सामने थी और 2 पूर्व प्रधानों को मात मिली। कांग्रेस समर्थक बबली शर्मा ने इस वार्ड में बाजी मारी और 39 वोटों से बाजी मारी। इसमें प्रत्याशी बबली शर्मा को 193 मत मिले, अनिल प्रभा को 154 मत मिले व बीजेपी समर्थक मनीषा शर्मा को 109 वोट और नोटा को 4 वोट पड़े। वार्ड नंबर 5 महिला आरक्षित था। वहीं वार्ड नंबर 6 भी महिला आरक्षित था और इसमें 3 प्रत्याशी रूपाली, सुमन शर्मा, अनुपम सूद थे। इसमें बीजेपी समर्थक रूपाली ने 29 मतों से बाजी मारी। वार्ड नंबर 6 में प्रत्याशी अनुपम सूद को 78 मत, रूपाली को 166 व सुमन शर्मा को 137 व नोटा को 1 मत मिला। वार्ड नंबर 6 से बीजेपी समर्थक जीती। वार्ड नंबर 7 में 3 प्रत्याशी आशुतोष, शिव गोस्वामी, पवन गोस्वामी थे। इसमें शिव गोस्वामी ने 43 मतों से बाजी मारी। वार्ड नंबर 7 में प्रत्याशी आशुतोष को 119 मत मिले, पवन गोस्वामी को 102 मत मिले, शिव गोस्वामी को 162 मत मिले और नोटा को 1 मत मिला। परिणामों में कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जबकि भाजपा के पाले में मात्र 1 सीट आई। पूर्व विधायक कांग्रेस संजय रतन के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। इसी जीत के साथ मतगणना के बाहर कांग्रेस समर्थक जुटे रहे और नतीजों का इंतजार करते रहे। इसके बाद विजयी प्रत्याशियों ने माता ज्वाला के दरबार में शीश नवाया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और ढोल नगाड़ों के साथ विजयी उत्सव मनाया। हमारे लोकल लीडर श्री संजय रतन जी को जाता है इसका पूरा श्रेय और पूरे शहर वासियों ने हमें खुल के हमारा समर्थन किया है और संजय रतन के साथ चलने का उन्होंने इशारा किया है। धन्यवाद। आज ज्वालामुखी नगर परिषद के 7 वार्डों के लिए चुनाव संपन्न हुए और उनके परिणाम घोषित किए गए। तो इन चुनावों में वार्ड संख्या 1 से मीरा, वार्ड संख्या 2 से धर्मेंद्र कुमार, वार्ड संख्या 3 से विमल कुमार, वार्ड संख्या 4 से मनु शर्मा, वार्ड संख्या 5 से बबली शर्मा, वार्ड संख्या 6 से रिपाली और वार्ड संख्या 7 से शिव कुमार विजयी रहे। ये चुनाव बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुए। कुल मिलाकर 77.7% मतदान हुआ।